ए आकाशवाणी जम्मू है सन खबरें च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्नै मैं श्रुति खजूरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखेआ जे निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादें दे बारे च अनुसंधान डिजाइन ते उंदे निर्माण दे खेत्तर च मती महत्वै आह्ली भूमिका निभाई सकदा ऐ ते रक्षा खेत्तर च देसै गी आत्मनिर्भर बनाने च अपना योगदान देई सकदा ऐ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आखेआ जे मुल्खै दे होरनें हिस्सें दे मुकाबले जम्मू कश्मीर अपने बजट च राई बाई दे खेत्तर लेई मता प्रावधान रखदा ऐ। सुरक्षा बलें अज्ज श्रीनगर च नौगाम रेलवे स्टेशन कोल किश छिंडे पर लाए गेदे आईईडी विस्फोटक गी समय सिर नकारा करियै कुसै बड्डी माड़ी घटना गी टाली दित्ता ते कोई 11 महीने तक्कर बंद रौह्ने दे बाद घाटी च बनिहाल ते बारामूला बश्कार रेल सेवा अज्ज अद्धे दुब्बे तौर पर ब्हाल होई गेई। खबरें दी तफसील कन्नै जगमोहन शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखेआ ऐ जे निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादें दे बारे च अनुसंधान डिजाइन ते उंदे निर्माण च मती महत्वै आह्ली भूमिका अदा करियै देसा गी रक्षा क्षेत्र च आत्मनिर्भर बनाई सकदा ऐ। उनें निजी क्षेत्र अग्गे अपील कीती जे ओह् सरकार कन्नै पूरा ते नेड़मा तालमेल बनाइयै कम्म करै तां जे 21वीं सदी दियें जरूरतें मुताबक रक्षा टैक्नोलोजी विकसित करने दी कार्ययोजना तैयार होई सकै। ओह 2021-22 आले माली बरे दे केंद्री बजट च रक्षा क्षेत्र दे प्रावधानें पर कारगर ढंगै नै अमल दे बारे च इक वेबिनार गी संबोधित करा करदे हे। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए, उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए सरकार उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दे रही है। मैं डिफेंस सेक्टर में आ रहे प्राइवेट सेक्टर की एक चिंता भी समझता हूँ। अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर्स के मुकाबले डिफेंस सेक्टर में सरकार का दखल कई गुना ज्यादा है, क्योंकि यह सेक्टर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी के बिना 21वीं सदी का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा नहीं हो सकता, यह भी मैं तो भलीभांति समझता हूँ। प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे रक्षा मंत्रालय दे खर्चे च 19% दा बाद्धा रक्षा क्षेत्र दे आधुनिकीकरण दे सरकार दे ध्येइये गी दर्शांदा ऐ। उनें गलाया जे पूंजीगत बजट च रक्षा समग्री दी देसै च गै खरीद दी व्यवस्था कीती गेदी ऐ। रक्षा उपकरणें दे आयात पर निर्भरता गी घट्ट करने दी जरूरता पर जोर दिंदे होई उनें आखेआ जे रक्षा उपकरण बाहर आनवाने दे बजाय भारत बाहरले मुल्खें गी एह् उपकरण उपलब्ध करवा एह्दी इस बजट च व्यवस्था कीती गेदी ऐ ते सरकार रक्षा प्रौद्योगिकी ते रक्षा उपकरणें दे निर्माण दे क्षेत्र च भी लौके दरमियाने ते भलेआं लौके उद्यमें गी बढ़ावा देआ करदी ऐ ते नमें स्टार्टअप्स गी भी। हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने का भारत के पास सदियों पुराना अनुभव है। आजादी के पहले हमारे यहाँ सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। दोनों विश्व युद्धों में भारत से बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर भेजे गए, लेकिन आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए। आज भारत विश्व के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में से है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आखेआ जे राई बाई दे क्षेत्र च बदलाव ते सुधार ना छड़ा करसाने सगुआं सब्भनें देशवासियें च मेद दी इक किरण जगा करदा ऐ। उनें आखेआ जे मुल्खै दे बाकी हिस्सें दे मुकाबले जम्मू कश्मीर अपने बजट च राई बाई दे क्षेत्र लेई मती रकमां ते मते प्रावधान देआ करदा ऐ। उपराज्यपाल होरें जम्मू कश्मीर दी तरक्की खुशहाली ते आत्मनिर्भरता च योगदान देने लेई महकमा बागवानी दी मती सराहना कीती। जम्मू दे गुलशन ग्राउंड आले पुलिस आडिटोरियम च सूबाई सतह दे बागवानी एक्सपो 2021 गी संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा होरें लोकें गी यकीन दोआया जे सरकार आसेआ लैते जा'रदे सब्बै फैसले जम्मू कश्मीर गी तरक्की बाद्धे ते आर्थिक मजबूती दी बत्तै पर अगड़े लेई जाने लेई गै लैते जा करदे न ते कम्मै दे सारे सरिस्ते गी पूरी चाल्ली असरदार पारदर्शी ते जवाबदेह बनाने च सरकार कोई कोर कसर नहीं छुड़ग। बहुत जोर दिया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर भी प्रयत्न शुरू हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जल्द ही एक अच्छी स्थिति में इस मामले में भी हम पहुंचेंगे। जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत सरकार ने घोषित की है जम्मू कश्मीर के लिए, जो 1 अप्रैल से लागू होगी, अभी 3-4 दिन पहले उसको नोटिफाई किया है भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें आखेआ जे जेहड़े लोक केन्द्र शासित प्रदेश च तौले असैम्बली चुनाव करोआने दी मंग करा करदे न उनेंगी चुनावी हलकें दी नमें सिरेआद बंदी करने सरबंधी आयोग कन्नै सहयोग करना लोड़चदा तां जे तौले थमां तौले एह् प्रक्रिया मुकम्मल होई सकै। एह् गल्ल लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें अज्ज जम्मू च मीडिया गी संबोधित करदे होई आखी। उनें आखेआ जे इस प्रक्रिया दी नुक्ताचीनी करने ते दूर रौह्ने दे बजाय जेहड़े सियासतदान चाहंदे न जे तौले असैम्बली दे चुनाव होन उनेंगी इस पूरी प्रक्रिया गी मुकम्मल करवाने च मदद करनी लोड़चदी। उनें गलाया जे जिसलै जम्मू कश्मीर च चुनावी हलकें दी परतियै नमें सिरेआ बंदी करने आह्ली प्रक्रिया मुकम्मल होई जाग तां भारतीय चुनाव आयोग हालात दा जायजा लैग ते मतदान दी तरीक दी घोशणा करोग। श्रीनगर च बधदी आतंकी घटनाएं बारै बोलदे होई लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें आखेआ जे आतंकवाद गी कुसै भी कीमत उप्पर बदन मठोन नेईं दित्ता जाग। उनें कुसै चाल्ली दे आतंकवाद दी निंदा कीती। श्रीनगर च अज्ज बडलै पंथा चौक नौगाम सड़कै पर इक आईईडी विस्फोटक गी सुरक्षाबलें बेल्ले सिर नकारा करियै कुसै बड्डी माड़ी घटना गी होने सवां टाली दित्ता। पुलसा दे इक अधिकारी ने जानकारी दित्ती ऐ जे एह् आईईडी नौगाम रेलवे स्टेशन कोला किश 100 मीटर दे छिंडे पर इक पुलै कश लाया गेदा हा। सड़क खोलने आले दस्ते ते पुलिस दी टीम ने इक लवारस कनस्तर पेदा दिक्खने पर तुरत बंब नकारा करने आले दस्ते गी एह्दे बारे जानकारी दित्ती, जिन्हें तुरत उत्थें पुज्जियै आईईडी दा पता लाया मगरा माहिरें इसी कामयाबी कन्नै नकारा करी दित्ता। पुलिस अधिकारी ने जानकारी दित्ती जे एहतियात दे तौरा पर किश समें लेई इस रस्ते गी लोकें ते गड्डियें दी आओजाई लेई बंद रखेआ गेआ। पुलसा दा आखना ऐ जे इयां सही हुंदा ऐ जे एह् आईईडी सुरक्षाबलें टकोह्दा करियै उंदी कानवाई गी निशाना बनाइयै लाई गेदी ही। एह्दे बाद श्रीनगर जिले च सुरक्षा व्यवस्था निग्गर करियै केईं थाहरें पर नाके लाइयै शुबे आह्ले लोकें ते गड्डियें दी तलाशी लैती जा करदी ऐ। पैह्लके जम्मू कश्मीर राज्य दियां मुक्खमंत्री रही चुकी दियां ते पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी दियां प्रधान महबूबा मुफ्ती इक बारी परतियै पीडीपी दियां प्रधान चुन लैतियां गईयां न। जनवरी 2016 च अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद हुंदी मौत दे बाद गै महबूबा मुफ्ती पार्टी दा नेतृत्व करा दियां न। पार्टी दे इक प्रवक्ता ने जानकारी दित्ती ऐ जे महबूबा होरें गी औंदे 3 बरें लई निर्विरोध पार्टी दा प्रधान चुन लैता गेआ ऐ। पार्टी प्रधान दी 3 बरें दी अवधि पिछले बरे 31 अक्तूबर गी मुक्की गई ही ते कोरोना महामारी दे चलदे पार्टी दे चुनाव नेईं हे कराए जाई सके ते हुन पार्टी दे सीनियर लीडरें उनेंगी परतियै पार्टी दा अध्यक्ष चुनने दी पेशकश कीती ही। एह् खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू परा सुना दे ओ। बाकी दियें खबरें कन्नै श्रुति खजूरिया। मुल्खै च अजें तोड़ी 1,11,00,000 कोला मते लोकें गी कोरोना समां बचाव आह्ला टीका लाया गेआ ऐ। सेहत मंत्रालय ने जानकारी दित्ती ऐ जे पिछले 24 घंटे दौरान 31,681 लोकें गी कोरोना दा टीका लाया गेआ। तोआई मुल्खै च पिछले 24 घंटे च 9,000 कोला मते लोकें गी नरोए होने पर अस्पताल थमां छुट्टी दे दित्ती गई ते ठीक होने आह्लें दी दर 97.22% होई गई ऐ। मंत्रालय ने दस्सेआ जे अजें तोड़ी 1,06,00,000 कोला मते कसरी नरोए होई चुके दे न। ध्यानजोग ऐ जे मुल्खै च एल्लै कुल सक्रिय मामले 1,50,055 न, जेहड़े जे कुल पॉजिटिव मामले दा 1.36% न। जेके एपी 7 बटालियन मुख्यालय छन्नी हिम्मत जम्मू च किश दिन पैहले कोविड-19 थमां बचाव आह्ला टीके लाने दी मुहिम गी शुरू कीता गेआ। एह्दे च जम्मू कश्मीर सेहत मैह्कमा भी सहयोग करा करदा ऐ। इस मुहिम दौरान 600 कर्मियें गी पैहली खुराक दित्ती गेई। जेके एपी 7 बटालियन दे एसएसपी कमांडेंट होरें इस मुहिम दा निरीक्षण कीता। भारतीय सेना दी 15 राजपूत यूनिट आसेआ राजौरी जिले दे नारियां ग्रां च कोविड किट तकसीम कीतियां गईयां। 350 कोविड किट्स च साबन मुंह पर लाने लई मास्क ते सैनिटाइजर शामिल हे। मुल्खै च बधदे मामले गी दिखदे होई सेना ने एक गैं पुट्टी ऐ। सेना आसेआ मुकामी लोकें च इस बारे जागरूकता भी फैलाई जा करदी ऐ। मुकामी लोकें सेना दे इस जतन दी ओह्दी सराहना कीती। कोविड-19 महामारी दे चलदे कोई 1 बरे लेई बंद रौहने दे बाद बारामूला ते बनिहाल बश्कार रेल सेवा अज्ज अद्धे दुब्बे तौर पर परतियै ब्हाल होई गई। श्रीनगर च उत्तरी रेलवे दे चीफ एरिया मैनेजर साकिब यूसुफ होरें दस्सेआ जे दवै रेलगड्डियां अपने तयशुदा समय मताबक गै चलगन ते शुरू च पैहले 2 रेलगड्डियें गी चलाया जा करदा ऐ ते सोए दौरान इंदे च किश होर सुधारें ते आकर्षण कन्नै बाद्दा कीता जाग। स्कूली शिक्षा निदेशालय जम्मू ने भारतीय फौज दे सहयोग कन्नै किश्तवाड़ दे इंद्रवाल जोन 8 पौंदे हायर सैकेंडरी स्कूल छात्रू दे विद्यार्थी विकास केंद्र च निबंध लिखने दी एक प्रतियोगिता दा सरिस्ता कीता गया। इस मुकाबलेबाजी च कुल 108 विद्यार्थियें हिस्सा लिया। जिले दे बक्ख बक्ख दूर दरेडे इलाके थमां विद्यार्थियें अपनी समर्थ समझ जज्बे ते आत्मविश्वास दा प्रदर्शन कीता। एह्दे बाद जेतुएं गी फौज दी तरफा इनाम भी दित्ते गए। इस मौके विद्यार्थियें विकास केंद्र ते प्रभारी विद्यार्थी भी मौजूद हे। इस मौके
प्रतिभागी बच्चन की अधिकारी मती सराहना की। किसानों की बख बख स्कीमें बारे जानकार बनाने लिए कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ ने आज 10 प्रगतिशील किसानों के एक दल की सोकास जम्मू सिखलाई ते जागरूकता कार्यक्रम लिए रवाना किया। केवीके दे विज्ञानिक होरें इस दल की झंडी दस्सी रवाना करवाया। साढ़े पुंछ आले संवाददाता अनुभव मिस्त्री ने जानकारी दी जे इस दौरे दौरान किसानों की बख बख चाली की फसलें सब्जियों की रड़ बारे जानकारी दी जाग ते उनेंगी राई बाई की बेहतर तकनीकें बारे भी जानकार किया जाग। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सड़क अज गड्डियें दी एक तरफा आओ जाई लई खुली दी है। ट्रैफिक पुलिस दे मुताबक अज ओली गड्डियें गी जम्मू थमां कश्मीर घाटी आली बक्खी जाने दी खुल दित्ती गई है, जिसलै कि काजीकुंड ते जवाहर टनल बश्कार बत्ता फसी दियें बड्डी गड्डियें गी भी जम्मू आली बक्खी जाने दी खुल दित्ती गई है। एदे अलावा कुसै भी गड्डी गी घाटी आली बक्खी जाने दी खुल नहीं है। उआं रामबन जिले च मकामी गड्डियें गी दौनें पेठा जाने दी खुल है। ते अखीरै च खास खास खबरें कुरी परतिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आखेआ जे निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादें दे बारे च अनुसंधान डिजाइन ते उंदे निर्माण दे क्षेत्र च मती महत्व आह्ली भूमिका निभाई सकदा ऐ ते रक्षा क्षेत्र च देसै गी आत्मनिर्भर बनाने च अपना योगदान देई सकदा ऐ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आखेआ जे मुल्खै दे होरनें हिस्सें दे मुकाबले जम्मू कश्मीर अपने बजट च राई बाई दे क्षेत्र लई मता प्रावधान रखदा ऐ। सुरक्षा बलें श्रीनगर च नौगाम रेलवे स्टेशन कोला किश छिंडे पर लाए गेदे आईईडी विस्फोटक गी समें सिर नकारा करियै कुसै बड्डी माड़ी घटना गी टाली दित्ता ते कोई 11 म्हीने तगर बंद रौह्ने दे बाद घाटी च बनाल ते बारामूला बश्कार रेल सेवा अज्ज अद्धे दुब्बे तौरा पर ब्हाल होई गेई ऐ। एह्दे कन्नै गै खबरें दा बुलेटिन समाप्त होआ।